नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कोरोना काल हम सभी ने देखा, कोरोना काल से कितनी तस्वीरें बदली ये हम सभी ने देखा, कोरोना काल से कितना किसको कितना नुकसान हुआ ये हम सभी ने देखा, किसको कितना फायदा हुआ ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि फायदा तो प्रतिदिन किसी को हुआ बिल्कुल। लेकिन कोरोना काल से एक वर्ग ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा पीड़ित रहा और अभी तक पीड़ित है। आपको पता है प्रद्युम्न, जिस तरीके से कोरोना काल में ये जो एम्प्लॉयज थे पीड़ित थे, सैलरी कट हुई, कई को निकाल दिया गया, मास्क जो था, हायरिंग की हम बात करते हैं लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मास्क टर्मिनेशन हुआ, लगातार लोग निकाले गए, इतने सारे लोग निकाले गए, सैलरी कट हो गई, 50% कहीं दी जा रही थी सैलरी, इसके बाद लगातार घंटों में भी इजाफा कर दिया गया, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर शोषण जो था वो बढ़ा दिया गया। तो प्रद्युम्न, आपको नहीं लगता कि तस्वीरें जब धीरे धीरे साफ हो रही है, जब इकॉनमी जो है दोबारा रिवाइव कर रही है, जब लोग जो है अब जो ग्राफ जो है पूरी तरीके से गिर चुका है, लोग भी ठीक हो चुके हैं, तो ऐसे में कुछ यहां भी बदलाव देखने को मिलना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल आया था ऐसे में बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियां वो थी, लेकिन परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। परिस्थिति जब बदली है तो ऐसे में जो कंपनी है वो ये चीज़ समझ चुकी है कि अगर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर नहीं आते हैं, कंपनी में काम करने नहीं आते, तो बहुत खर्चा होता है जो बच जाता है, चाहे लाइट का खर्चा हो या खाने पीने का खर्चा हो, तमाम खर्चे होते हैं कंपनियों में, उसको बचाने के लिए अब कंपनियों ने ये आदेश दे दिए हैं कि अब जो जुलाई आ रही है जब तक आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, यानी कि साल भर हो चुका है वर्क फ्रॉम होम से, उसमें भी आपकी सैलरी जो है वो कम कर दी गई है। सैलरी कम तो हो ही गई है लेकिन ऐसे में बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, काम करने का जो वक्त है वो बढ़ गया है, क्योंकि आप जब घर पे हैं और घर पे तो कभी भी काम हो सकता है, ये कंपनी की सोच है। तो कंपनी ने घंटों में इजाफा कर दिया है और साफ ये बात बोल दी है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आप यहाँ पे कीजिए, वरना आप छोड़ सकते हैं। ऐसे में अब जो परिस्थिति अभी बनी हुई है आईटी सेक्टर की, अगर हम खास तौर पर बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने आते हैं, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि एक तो सैलरी 50% आ रही है, ऊपर से काम करने का जो दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं कि जब कोरोना काल अब जा चुका है, कुछ अभी कोरोना काल फिर भी बचा है, लेकिन पहले की परिस्थिति अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे में अब कोरोना काल बहुत कम है। जो दोबारा से सारी चीजें हैं वो यहां पर रिवाइव हो रही हैं, लेकिन आखिरकार इस तरीके की जो एक रणनीति बना ली है कंपनियों ने, एक सोच बना ली है कि एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कराइए, या फिर अगर हम उनकी बात करते हैं जो शिक्षा विभाग की बात करते हैं, टीचर्स को बार बार ये बोला जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई है, अब स्कूल खुलना जरूर शुरू हो रहे हैं लेकिन बार बार यही दबाव बनाया जाता है कि हफ्ते में 2 दिन स्कूल खुलेंगे, बाकी दिन आप ऑनलाइन पढ़ाएं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो स्कूल खुलने के बावजूद भी वहाँ पर हमेशा यही बोला जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वहाँ पर इंटरनेट सेवा इतनी अच्छी नहीं है, ग्राम क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, तो वहां पर बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। तो आखिरकार जब अब स्थिति फिर से सामान्य हो चुकी है तो इस तरीके की हरकतें क्यों की जा रही हैं? जी देखिए प्रद्युम्न, लगातार जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, आप इसको इस नजर से देखिए कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का ये जो टॉनिक दिया जा रहा है, ये दरअसल वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर क्या क्या हो रहा है आपको पता है। आपको पहले एक डिजायर्ड आपकी एक रिक्वायर्ड शिफ्ट होती थी कि आपको शिफ्ट टाइमिंग्स में काम करना है, लेकिन कंपनियों ने जब ये देखा है, नया एक्सपेरिमेंट था, सबके लिए नया था, कोरोना काल आया, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइस दी गई तो सभी ने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के नाम पर शिफ्ट का चार्ट बहुत लंबा कर दिया गया। जो पहले 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, अब उनसे 14-14 घंटे काम दिया जा रहा है, क्योंकि वो घर पर है और दफ्तर में तो है नहीं, तो घर पर है तो उनको इतना काम दिया जा रहा है जो 14-15 घंटे लेता होगा। इसके बाद सैलरी कट एक बार शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कोरोना काल है, कोरोना काल है कि जो एक लाइन है वो जोड़ कर दी जा रही है कि देखिए कोरोना काल है इसलिए सैलरी कट है, लेकिन जॉब्स जो है वो अभी भी मार्केट में उस तरीके से नहीं आ पाई है, तो लोग जो है मजबूर हैं, इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए लगातार जो शोषण किया जा रहा है, लगातार ऐसे लोगों के साथ जो जुल्म, मैं यहां पर बोलूंगा जुल्म जैसा शब्द भी इनके लिए शायद कम लगे यहां पर, क्योंकि उनके साथ इस तरह का शोषण, कंपनियां फायदे में जा रही हैं, इकॉनमी रिवाइव हो गई है, जो उनका इनकम है वो आना शुरू हो गया है, लेकिन इंप्लॉयज के साथ लगातार उसी तरीके का जो व्यवहार है वो अभी भी जारी है। जैसे सैलरी कट, अभी उनकी दोबारा सैलरी देने की स्थिति में कंपनियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी सैलरी कट करके दी जा रही है, सैलरी को उस स्तर पर नहीं लाया जा रहा है जैसी पहले मिला करती थी, अभी भी कोरोना काल का रोना जो है वो रोया जा रहा है, लेकिन ऐसे में ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है उसका भी घर परिवार है, मजबूरन है, लेकिन ऐसा कब तक आपने सब देखिए। जिस तरीके से आज जो मुद्दा हम लोगों ने टॉक शो में अपने लेके आए हैं, ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, समझाना जरूरी हो जाता है कि जब कंपनियों ने जो अब रणनीति बना ली है कि एम्प्लॉयज कम बुलाने हैं या फिर
किसी किसी कंपनी में अब भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो ऐसे में नौकरी बचाने के लिए एक जने का काम, दो जने का जो काम होता है वो एक जना कर रहा है, तो इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो वहां पर वैकेंसीज होती है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो कोरोना काल में लोग निकाले गए थे उनको अब नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अगर कंपनियां फिर से खुलेंगी, लोग यहां पर फिर से आना काम करना शुरू करेंगे, चाहे पूरे भारत की बात करते हैं और खास तौर पर दिल्ली नोएडा से बड़े शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा आईटी कंपनी यहां पे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कंपनी खुलेंगी कब, क्योंकि इसके लिए कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई है। जरूर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था और ये चीज बोली थी जब कोरोना काल चल रहा था, अब भी चल रहा है, पहले की बात करते हैं तो, कि आप किसी को निकालिए मत और ऐसे में अगर आप सैलरी मत काटिए। लेकिन कंपनियों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात भी साफ तौर पर एक तरीके से अनसुनी कर दी और उन्होंने बस ये कहा कि भाई हमें अपना फायदा देखना है। अब कंपनी को जब ये फायदा दिखता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच रहा है, एसी का बिल बच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनके दिमाग में बैठ गई है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है, आप एम्प्लॉयज को घर से काम कराएं और सीमित जो एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो यहां पर अब हो गई है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरकार कंपनी इस तरीके का रवैया कब तक अपनाएंगी, क्योंकि जो जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है आखिरकार उनको जॉब कब मिलेगी, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा तो ना कंपनी खुलेगी, ना वैकेंसी निकलेगी, ना किसी को जॉब मिलेगी। तो ऐसे में सरकार को इसमें जरूर दखलंदाजी करनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम को अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, कोरोना के आंकड़े भी कम हो गए, लगातार हर कंपनी खुलती जा रही है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो अब भी नहीं खुल रही हैं, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का हवाला देके एक शख्स से दो शख्स का काम करवा रही है, कम पैसे दिए जा रहे हैं, घंटे बढ़ा दिए गए हैं। देखिए वर्क फ्रॉम होम कितनी अच्छी चीज साबित हो सकती थी, लेकिन इसको कितना नेगेटिव वर्ड बना दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम घर पर भी इंसान रह सकता था, ज्यादा समय रह सकता था, रास्ते में जो ट्रेवलिंग का टाइम था वो बच सकता था, टाइम मनी है हमेशा हमको बताया जाता है। ऐसे में जब ये महत्वपूर्ण समय बचाया जा सकता था, घर के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता था, घर पे भी काम कर सकता था, कंपनियों ने क्या किया, उसको नेगेटिव बना दिया। कंपनियों ने क्या किया, इतना बोझ डाल दिया कि वो घर में रहकर ही घर वालों को समय नहीं दे पा रहा है और मानसिक तनाव कोरोना के बाद तो जिस तरीके की स्थितियां हम लोगों ने देखी, जिस तरीके से लोग स्ट्रेस में लगातार जाते रहे, मानसिक तनाव का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है, उसके बाद काम घर पर रह के ही अपने घर के अंदर बंद होकर एक कमरे में इंसान को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, सैलरी कट है, काम ज्यादा है, कंपनियां कोरोना का रोना अभी भी रो रही हैं, उनके लिए कोरोना का रोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीन आ गई है, सब कुछ आ गए, तमाम इंतजाम हो गए, ग्राफ गिर चुका है, कोरोना केसेस बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कंपनियां जो अभी भी नहीं मान रही है प्रद्युम्न, इनको ठीक करने के लिए सबको एक साथ आना जरूरी है और एक तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये देखिए जो आपके साथ हो रहा है, आप घरों पर जरूर है लेकिन जो आपके साथ हो रहा है, तो देखिए जिस तरीके से आपका शोषण हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज को आप केवल इसलिए क्योंकि मजबूरी है इसलिए आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसे तो ये ट्रेंड सा चल जाएगा, हर कंपनी सोचेगी अपना फायदा देखने के चक्कर में, हर कंपनी कोशिश करेगी कि कितना कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बचते हैं प्रद्युम्न, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, लाइट का खर्चा बच रहा है, आपका इंटरनेट का खर्चा बच रहा है, आपका सीटिंग का खर्चा बच रहा है, आपकी चाय नाश्ता जो भी चलता है उसका खर्चा बच रहा है, आपका मेंटेनेंस और इसका क्लीनलीनेस का खर्चा बच रहा है, तो इन तमाम खर्चों को बचाने के लिए ये कंपनियां जो हैं इस ट्रेंड को और ज्यादा अगर ये फैल गया तो ये बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। जैसे जापान में हम लोग देखते हैं, जापान में जो वर्क कल्चर है वो दिखता दूर से बड़ा सुहावना है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, यहाँ के लोग बहुत एडवांस हैं, यहाँ पर चीजें जो बहुत जल्दी बन रही हैं, लेकिन जब हम उनकी बारीकियों को समझते हैं, आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, वहां का इंसान घंटों काम करता है, हर कोई मानसिक तनाव में है और बहुत से लोगों की इस मानसिक तनाव के चलते मौत भी हो जाती है, कितना डरावना लगता है सुनने में। और वही स्थितियां जो है भारत में भी लगातार जन्म लेती जा रही है, भारत में भी वही चीजें घुसती जा रही है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो इस तरीके से चीजें ले रहा है, उसको दिख रहा है कि आउटकम बड़ा बढ़िया आ रहा है, उसको लग रहा है कि जो 40 लोगों से वो पहले काम लेता था कोरोना के दौरान क्योंकि सैलरी कट करनी पड़ी, उसके पास भी पैसों की कमी थी, उसने 20 लोगों को निकाल दिया, 20 लोगों से काम लिया, लेकिन 20 लोगों के ऊपर 40 लोगों का बोझ डाल दिया। अब कोरोना काल तो चला गया लेकिन उसको पता है कि 20 लोगों से 40 लोगों का काम लिया जा सकता है, तो वो तो अपने आउटकम पे देख रहा है प्रद्युम्न, लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहा है कि 20 लोगों से 40 लोगों का काम लेने के चलते उन 20 लोगों पे जो प्रेशर जा रहा है, उन 20 लोगों की जो जिंदगी जो है तनावपूर्ण हो रही है, उन 20 लोगों को जो घर पे समय देने के लिए नहीं मिल रहा है, उन 20 लोगों के साथ जिस तरीके का शोषण किया जा रहा है, उन 20 लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उन 20 लोगों के साथ जिस तरीके से मानवता को लेकर जो गलत एक एंगल दिया जा रहा है, ये कितना नुकसानदेह है, ये हमारे देश के लिए कितनी गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये ट्रेंड सेट अगर हो गया, एक बार ट्रेंड सेट हो गया, आपको बताता हूँ ये चीजें सेट कैसे होती हैं। आपको पता है कि एक नौकरी का जो कल्चर है वो दिन में इतने से इतने घंटे नौकरी का कल्चर होता है। हम लोग हमेशा अमूमन आम भाषा में जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि 9 से 5 एक नौकरी का टाइम होता है। तो ये कल्चर कहाँ से सेट हुआ, ये बहुत पहले से सेट हुआ और ये बहुत व्यवहारिक है, इससे इंसान जो है बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट कर चुका है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन कोरोना के टाइम
बहुत सारी चीजें अचानक से बदल गई, जैसे जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिस तरीके से इंसान सिनेमा, जो पहले सिनेमा में जाता था वो सिनेमा से सीधे कूद कर अब नेटफ्लिक्स पे आ गया है, आपका अमेजोन प्राइम पे आ गया है, तो इस तरीके से जो ये स्विच होता है, ये स्विच बहुत जल्दी हो जाता है। तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो अगर ये जो टाइमिंग्स वाला जो रूल है, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच का जो रिश्ता है, अगर ये इस तरीके से चेंज हो गया, इस तरीके से ट्रेंड बन गया कि 20 लोगों से 40 लोगों का काम लिया जा सकता है, बहुत खतरनाक होगा। और इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ये जो घुट्टी पिलाई जा रही है, ये जो टॉनिक पिलाया जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे चलकर ये बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयर तो देखिए अपना पैसा बचा रहा है, एम्प्लॉयर तो अपने तमाम संसाधन जो है वो बचा रहा है, रिसोर्सेज अपने पूरे सेव कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर वो कितना बोझ डाल रहा है ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, उनकी बात कोई नहीं करता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो घर पे बैठा है बेचारा, तसल्ली से कमरा गेट लगा के अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, उनके घर परिवार वालों को ही नहीं पता चल रहा है। और एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है दरअसल कि वो तो सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है वो खुद भी अपनी अंतरात्मा से जानता है, और एम्प्लॉयर जो उससे इस तरीके से काम ले रहा है वो भी अपनी अंतरात्मा से जानता है। लेकिन अब देश में जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं, कोई बात ना करे लेकिन हम जरूर बात करते हैं और हमेशा बात करते रहेंगे। कल जिस तरीके से हमने कोरोना को लेकर बात करी, उसी तरीके से आज हमने फिर बात करी। हम उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं प्रद्युम्न, जो हम बैठकर बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिन पर कोई बात ना करे। देखिए, ट्रेंड की बातें करना हमारे लिए बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, अभी उठा के कर देंगे, लेकिन हम वो बातें करेंगे जो आपके फायदे की होंगी। हम वो बातें करेंगे जिन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आदमी अकेले बैठ कर सिसक सिसक कर रो रहा है लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं बन रहा, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इन बातों को उठाना कितना लाजमी हो जाता है प्रद्युम्न। लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक तरीके से एक मानवता के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे दर्शक भी और टीवी चैनल्स देखते होंगे, वहां पर कभी इन मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं की जाती, हमेशा राजनीति की बातें होती हैं, किसानों की बातें होती है, किसानों की हम भी करते हैं, राजनीति की हम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसे मुद्दे भी उठाते हैं जो लोगों के दर्द होते हैं, उनकी जो जुबान है वो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया बनता है। इसलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने एक खास प्रोग्राम ही शुरुआत किया है, लगातार मुद्दे उठाते हैं, इन पर बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं कि 20 लोगों से 40 लोगों का काम। तो आप खुद सोचिए कि 20 लोग 40 लोग, यानी कि 20 लोग पे 40 लोग का प्रेशर है, डबल प्रेशर हो गया, जिंदगी का प्रेशर, उसके बाद जॉब का प्रेशर, और अब 20 का डबल प्रेशर। तो ये अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंदगी में। आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, ठीक है, लेकिन जब इतना प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि एक इंसान से दो लोगों का काम कराया जा रहा है, और वो भी अगर वो नहीं कर पा रहा तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है, सैलरी तो कट ही रही है लेकिन मजबूरी में आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसका जो मजबूरी का फायदा होता है वो ये कंपनी वाले उठाने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रीट करती हैं कि जैसे वो लेबर हो। आमतौर पर देखा जाता है कि जब लेबर काम करने जाती है किसी घर है, तो उसके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है जैसा एम्प्लॉयज के साथ यहां पर बर्ताव किया जाता है। आप ट्रेंड का जिक्र कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड है अब ये बिल्कुल सेट हो गया है, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि इसमें मुनाफा है, तो अब कंपनी इसी को आगे फॉलोअप करेगी। अगर ये फॉलोअप होता है तो एक तो नौकरी कम रह जाएगी, ऊपर से लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सरकार को जरूर दखलअंदाजी करनी चाहिए, अगर दखलअंदाजी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी का जो सबब है वो ये बनता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्कूल्स की भी हम बात कर रहे थे, इसमें ऐड ऑन किया था हम लोग अभी स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल में जिस तरीके से ऑनलाइन का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको बाद में कैसे मुनाफा सिस्टम बना दिया गया आपके सामने है, क्योंकि आपके घरों में भी बच्चे होंगे, आपने इन चीजों को देखा होगा। कोरोना काल पर जो मजबूरी थी आज उसे मुनाफा बना दिया जा रहा है। किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का पहले बात की गई, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा सकते थे, आपको ऑनलाइन क्लासेस का बताया गया, आपके पास स्मार्टफोन था, उसके जरिए क्लासेस दी जाती थी। लेकिन जब इसके स्कूल वाले मैनेजमेंट ने ये चीज देखी कि इससे तो कितना फायदा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उसका जो क्लीनलेस, जो तमाम जो खर्चे होते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है, जो और भी चीजें हैं, लाइट का, बिजली का, इंटरनेट का, उन खर्चों से कैसे मुक्ति पा गए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को जारी रख रहे हैं, इस चीज को प्रद्युम्न ने लगातार कंटिन्यूटी में ला दिया गया है। अभी भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कोरोना का जो काल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। स्कूलों में जो टीचर है वो स्कूल जाकर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो घर से पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो देश में हो रहा है वो आप भी जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चा क्या सीख रहा है वो बच्चा भी जानता है, और टीचर क्या सिखा रहा है वो टीचर भी खूब समझता है, क्योंकि अभी हम लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए कि ऑनलाइन के जरिए हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके, अभी इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए कि टीचर ऑनलाइन के जरिए बच्चों को पढ़ा सके। तो एक ये समस्या, और दूसरी एम्प्लॉयज की समस्या।
इन दोनों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता था, इसलिए आज हम आपके सामने आए। मेरे सहयोगी प्रद्युम्न भी मेरे साथ थे, हमने बखूबी कोशिश की कि आप तक हर बात पहुंचाई जाए, आपको बताया जाए कि आप अकेले नहीं है, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके साथ है। तो इस तरह की जो तमाम मुद्दे हैं जो कहीं छिपे दबे रह जाते हैं, उन पर हम लगातार आपसे बात करते रहते हैं और हम रोजाना इसी तरह आपसे बात करते रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें भारत एट 9 एक नया प्रोग्राम आया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें, उस पर देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा होगी। और इसके अलावा शनिवार को तो आप देखते ही हैं आवाज, और इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।